अरे मनीष की 50 50 वेल प्लेड ब्रो, कांग्रेचुलेशन योर फर्स्ट 50। Hey guys, this is Jay Sialia, time for us सुबह के साथ। So good morning and welcome back to the channel। आज हमारा मैच और रेडी भी हो चुके हैं। अभी बाहर थोड़ी से मतलब अंधेरा जैसा लग रहा है क्योंकि सनराइज ठीक तरीके से नहीं हुआ है। रुको आपको एक सेकेंड दिखा देता हूँ। हाँ देखो यहाँ पे अभी मतलब अभी सनराइज हो रहा है, यहाँ से अभी दिख नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा है और फॉग भी है थोड़ी बहुत। और यहाँ से पानी स्टार्ट था, बंद कर दिया। पर रेडी होते हैं और निकलते हैं। सो गाइस हम निकल चुके हैं और आज हमने आज हमने दो बैग लिए, एक में लंच वगैरह रखा है और पीछे वाला हमारा किट बैग, और हेलमेट भी मेरे हाथ में है क्योंकि आज मैं मेरी बाइक लेके जाऊंगा साथ में। प्लान कुछ नहीं था क्योंकि दो दो बैग होते हैं, चार बैग होते तो एक बाइक पे ठीक से बैठ नहीं पाएंगे इसलिए। और अभी मस्त ठंडी हवा चल रही है और 19 डिग्री है बाहर। और हाँ अभी का मेन टास्क है मेरी बाइक निकालना बाहर, क्योंकि सामने है दो बाइक और एक्स्ट्रा, एक पीछे और एक आगे। सो गाइस बाइक फर्स्ट किक से स्टार्ट हो चुकी है और मैंने कूल स्टार्ट देके वहाँ पर खड़ी रख दी थी। और मैं गया था किट बैग वगैरह लेने के लिए क्योंकि मैंने सामने वो सीट्स के ऊपर रखा था। सो अभी चलते गणपति बप्पा मोरिया। चलो गाइस पहुँच गए यहाँ तक और मस्त सामने से सनराइज हो रहा है। पर ये बिल्डिंग बीच में आ रही तो नहीं दिखेगा, आगे जाके आपको दिखाऊंगा। अभी करते हैं मनीष का वेट, उसको एक बार कॉल कर देता हूँ और रास्ते में मिलते हैं आपको सनराइज देखते देखते। सॉरी गाइस मैंने बता दिया कि सनराइज देखेंगे, पर सनराइज ऑलमोस्ट हो जाएगा, मनीष आएगा तब तक, वो भी घर से निकला है जस्ट। तो वेट करते हैं और आने के बाद चलते हैं। गाइस 8:45 हमें वहाँ पे पहुँचना था, ठीक है। 7:40 अभी हो रहे हैं, मनीष अभी तक नहीं आया, तो हमारा वेट अभी भी चल रहा है। तो वेट करते हैं और निकलते हैं। मैं तो सोच रहा था मस्त सनराइज दिखाऊंगा, पर सनराइज क्या ही दिखाया, अभी तो लेट हो गया, सनराइज हो चुका होगा। अभी मस्त दिख रहा था यार, मैं शूट करना भूल गया उस टाइम पे, मस्त मेरे घर से आते हुए दिख रहा था। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो दिखा देंगे। तो गाइस देखो सामने का ग्रास कटिंग भी हो चुका है पीछे के साइड का, सो अभी मज़ा आएगा थोड़ा सा। सीन कुछ ऐसा है, हमारी टीम में यहाँ पे सारे बैठे और कुछ भी आज हमारी टीम में ही है, नुनुन भी मतलब ध्रुव उर्फ हाय गुड मॉर्निंग। सो हमारी टॉस हार के बैटिंग आई है, टॉस हार के भी बैटिंग देख लो, ये कैप्टन दूसरे टीम का, उसमें दिमाग नहीं है इसलिए पहले बॉलिंग लेता है। यहाँ पे वो कारपेट विकेट है हमारी, इसीलिए पर आप बैटिंग आइए, देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं, कितना चेस करने के लिए देते हैं। ओपनर तैयार हो रहा है मेरा, स्ट्राइक करवा रहा है, उसका नाम है नुनुन नुनुन और मैं नॉन स्ट्राइकर। यहाँ पे मुंह उठा के अंपायरिंग में जाते हुए रन आउट होके हितार्थ के सामने, वो स्टोरी बाद में, पर अभी अंपायरिंग पे ध्यान दो। बाय बाय, मैं भाग गया था, हितार्थ वहीं का वहीं खड़ा रहा, मैं इस तरफ पहुंच गया था, हितार्थ भागा ही नहीं, और उसने अभी दादू को भी रन आउट कराया, दो रन आउट किए हैं। मतलब अभी देखते हैं, अभी अंपायरिंग से व्यू तो नहीं दिखाऊंगा, बट अंपायरिंग करूंगा मैं, देखूंगा व्यू भी दिखा दूंगा थोड़ा सा। तो गाइस अच्छी खासी पार्टनरशिप दोनों की, और मनीष के भी 50 होने आई है। हरमन पीछे से हाई कर रहा है, सालो फील्डिंग करो ठीक से, और इतना 100 नहीं मारा ना तो ऐसा मारूंगा मैं। ओह एज, अच्छा हुआ एक बॉल अभी बाकी है, लास्ट में सिंगल लेंगे। 50 में एक बाकी है, देखते हैं कब होते। मनीष इधर आजा, तो गाइस देखते हैं नो बॉल है फ्री का फायदा उठाता है कि नहीं। इतना मनीष होता तो उठा लेता,
4। एक ही लिया भाई, मिसफील्डिंग के दो ले लो रन। डेड बॉल, डेड बॉल है, डेड बॉल है। सिंगल था, आराम से 50 हो जाती। मनीष और यहाँ पर टीम के 200 रन। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी टीम के 200 हो चुके हैं फाइनली। मनीष की 50 बाकी, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मनीष की 50 होगी और बाद में इसकी सेंचुरी पे, बस बाकी कुछ नहीं। अभी 29 ओवर चल रही है। ओ बॉल, साहिल वार्निंग लाइन में चल रहे थे, हम थी चल जा। अरे मनीष की 50। वेल प्लेड ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर फर्स्ट 50। हाय हाय, बाय बाय, मौज कर दी बेटे। चलो अभी 300 ले जाओ, अभी भी 10 ओवर है तुम्हारे पास, 100 रन तो आएंगे। 50 हुई और मनीष को मिला बोनस पॉइंट नो बॉल पे। अभी एक फ्री हिट का चांस है, लगा सके। ओहो, अच्छी बात है, रन नहीं लिया है। तो गाइस एरा स्कोर 229, 31 पे 2, मनीष 66, सिद्धार्थ 71। हाँ, दोनों के 100 हो सकते हैं, अभी भी और बाकी है। सो गाइस, लंच वगैरह हो गया, हमारी टीम का स्कोर है 274-3 समथिंग, और जितने के लिए बस वही करने। तो अभी तो जा रहे हैं, तुम लोग का तो बॉलिंग है, दूसरे इनिंग के बाद मिलेंगे। सो गाइस, मैच वगैरह सब खत्म, और आज हालत थोड़ी सी टाइट हो गई, क्योंकि हमें मनीष की तो टाइट है, देखो स्वेटर पहन रहा है, क्योंकि उसको बुखार जैसा हो गया, तो मैच में बाहर आके बैठा था फील्डिंग में। और आज डेनिस ने 100 मारे, तो उसको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो सभी लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन। और हाँ, हमारा भी आज थोड़ा सा दिन ख़राब था रनआउट की वजह से, पर हाँ अभी चलते घर पर जाके मिलते हैं आपसे। हमें बाइक आज अंदर ही लेके आ गए थे दोनों, सो अभी लॉक लगा के आता है डेनिस, उसके बाद हम चलते। तो गाइस, जस्ट अभी घर पे आया, और घर पे आके पता चलता कि घर पे तो कोई है ही नहीं। रुको, कोई आया है, बाद में बात करते हैं। सो कोई लड़का आया था जिसकी पतंग अटक गई थी हमारी बालकनी में, सो लेने आया था, नीचे से उड़ा रहे होगा तो फंस गए होगी। सो ये बता रहे थे घर पे कोई है नहीं, सभी लोग गए हैं बाहर, तो हमें बोला है कि चने है तो थोड़े से भिगा देना, मतलब पानी पूरी है ना रात को, पानी पूरी आलू पूरी ऐसा सब कुछ बनाने वाले, सो थोड़े से रख देते हैं अभी गर्म पानी में डाल के, 2-3 घंटे में हो जाएंगे थोड़े से, क्योंकि थोड़े कम भिगोए हो गए इसीलिए। हाँ देखो, बड़े वाले इसमें है, इसको क्या बोलते हैं, मटर क्या बोलते हैं, चने सिर्फ बाकी थे, तो हमें बोल दिया हम कर देते वो काम एक, और फ्रेश होते आराम करते, पूरा थक गए मैं, ऊपर से वो सर्दी जैसा था ना, तो जुकाम जैसा, मैं शरीर में पूरी ताकत ही नहीं बची थी मेरी, तो इसीलिए मैंने कीपिंग भी आधी मैच में छोड़ दी थी, फील्डिंग कर रहा था मैं। होता है कभी कभी ऐसा। सो अभी जो काम करना है वो काम करते हैं और फ्रेश होते हैं। अभी अच्छी खासी मैच चल रही थी, जो कि 1 विकेट से हम हार चुके हैं, तो अनफॉर्चुनेटली अभी दूसरी 2 है, उसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास कर लेंगे। जो इंडिया वर्सेज बांग्लादेश की सीरीज थी, मतलब क्या थ्रिलर थी, लास्ट तक 1 विकेट नहीं गिरी, सो अनफॉर्चुनेटली हार गए। और अभी मैं जा रहा हूँ बाइक का कवर लगाने, जो कि चलते आप साथ में। चालीस की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ले लो। सो आ गया, इसका कवर वगैरह लगाते हैं। और पापा बोल रहे थे इस वाली बाइक में ऑयल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ऑयल ज़्यादा खाती है ना ये वाली बाइक, इसीलिए। सो अभी देखना पड़ेगा मुझे भी, और चेक करते और डालते ऑयल नया, और क्या मतलब है हमारे पास ऑलरेडी ऐसा। हाँ डन एकदम। और सो गाइस देखो, यहाँ पे पानी पूरी की पूरी भी घर पे बन रही है, मसाला तो बन ही चुका है ऑलरेडी, और ये बन रहा है आलू पूरी की पूरी के लिए, जो कि आलू पूरी भी आपको बना के ही दिखाऊंगा। गाइस देखो, ये रही अपनी आलू पूरी, उसमें जाएगा ऊपर से सलाद, और हाँ ऊपर से जाएगी सेव, जो कि पापा ने ऑलरेडी बना के रखी है, देखो उनके लिए आए हाय, और हमें अभी बनानी है, जो कि सेव डालेंगे। सो हमारी आलू पूरी फर्स्ट टाइम जो कि हमने घर पे बनाई है, जो कि रेडी है। सो गाइस, अभी ऐसे ही टाइम 9 हो गया है, और हम टीवी देखते रह गए,
और अभी डिनर वगैरह तो जो था हमारा आलू पूरी पानी पूरी वो सब था, मैंने सिर्फ आपको आलू पूरी दिखाया था। पर हाँ, अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करो और भेजो अपने आप जो भी रिश्तेदार है दोस्त है सबको, सर बोला भी नहीं जा रहा है अभी, अभी तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मेरी सर्दी हो गई है इसीलिए। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।